हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए। काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, बड़ी खबरें, काम की खबरें आप देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यह मनमानी है, आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं, आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते, घर के सामान का क्या होगा, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं, बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते हैं। वहीं आपको बताएं, कोर्ट ने 2019 के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दे दिया है। और बड़ी खबर देखिए राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में यमुना किनारे नहीं होगी छठ पूजा, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कहा कि पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है और ऐसे में लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना तटों में छठ पूजा मनाने की परमिशन देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नदी का पानी बहुत प्रदूषित है और इससे लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। बेंच ने कहा कि दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ मनाने के इंतजाम किए गए हैं, वहां पर जाकर लोग अपना पर्व मना सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश का आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग समन्वय शाखा द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है, दिल्ली के छठ पूजा के लिए बृहस्पतिवार यानी आज 7 नवंबर को दिल्ली सरकार के तहत सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, यानी आज छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा कर दी गई है। चलिए बड़ी खबर, दिल्ली की हवा बेहद ही खराब श्रेणी में चल रही है। राजधानी के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, आंखों में जलन, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद ही खराब श्रेणी में चल रहा है, हवा की गति लगातार कम होती जा रही है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल भी बन सकता है, SSC, बैंक, रेलवे या फिर स्टेट लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर या GK से संबंधित सवाल बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली में NIA द्वारा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आज गुरुवार से आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय यह सम्मेलन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी हो गई है। IIT बॉम्बे को पछाड़ कर आगे निकला IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली ने IIT बॉम्बे को पछाड़ कर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। एशिया में टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में IIT दिल्ली 44वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि IIT 48वें स्थान पर खिसक गया। टॉप 100 में शामिल 6 भारतीय विश्वविद्यालयों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, सनातन धर्म की रक्षा जरूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है, सनातन धर्म की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच कुछ ताकतें देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। चित्रकूट में कहा कि देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, सबको धारण करने वाला राम चाहिए। और बड़ी खबर, NEET UG 2024 से जुड़ी हुई खबर आ रही है, नए सिरे से परीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। आपको मालूम होगा NEET UG परीक्षा को लेकर हमारे देश में इस बार काफी बवाल मचा, कई शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए लोगों ने काफी नाराजगी भी जाहिर की। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 6 नवंबर को 2 अगस्त के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट ने नए सिरे से परीक्षा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कार के लाइसेंस पर 7,500 किलो व्हीकल चलाने पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का फैसला बरकरार रखा है और कहा कि यह रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कार के लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस होल्डर को 7,500 किलो तक वजन वाली गाड़ियां चलाने की परमिशन दे दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो साबित करता हो कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह मुद्दा LMV ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने केंद्र से कानून में संशोधन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा था कि बीमा कंपनियां हादसों में एक निश्चित वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के शामिल होने और नियम मुताबिक ड्राइवरों को उन्हें चलाने के लिए अधिकृत न होने पर क्लेम को खारिज कर रही थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो निश्चित रूप से ड्राइवर्स को राहत मिलेगी, यानी कार जीप वाले लाइसेंस से आप हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, PMLA के तहत सरकारी कर्मचारियों और जजों पर केस चलाने
से पहले परमिशन लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीएमएलए से जुड़े एक मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए में भी लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी होगी। सीआरपीसी की धारा 197 में पीएमएलए में भी आदेश लागू होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 860 संस्थानों के 22 लाख विद्यार्थियों को छात्रों को इसमें फायदा मिलेगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। यानी इस योजना के दायरे में अब हमारे देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया, इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा ना बने। चलिए बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से जुड़ी हुई, डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल गया, फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बधाई दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिल गई हैं। बहुमत के लिए वहां पर 270 सीटें जरूरी होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी कुल 224 सीटें जीत पाई। वैसे आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। लेकिन अब जो अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, ताजा नतीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता है जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन किया और जीत पर बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि मैंने अपनी जीत के बाद सबसे पहले जिन वर्ल्ड लीडर से बात की है, पीएम मोदी उनमें से एक है। पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है। भारत एक शानदार देश और मोदी एक शानदार इंसान है। मैं मोदी और भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता हूं। और वैसे आपको बताएं, अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे लीडर है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दुनिया भर के बड़े नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी और उनकी तारीफ में कई उल्लेखनीय बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। उम्मीद है कि हम दोनों अपने लोगों की बेहतरी और विश्व में स्थिरता और शांति के लिए आगे काम करेंगे। और अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का दबदबा भी बढ़ा है। भारतीय मूल के 6 सांसदों ने वहां पर बाजी मारी है। सभी 5 मौजूदा भारतवंशी सांसदों ने वहां पर फिर से चुनाव जीत लिया है। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जीत का असर, अमेरिकी बाजार 3% चढ़ा। सेंसेक्स में 901 अंक की तेजी रही। चीन का मार्केट 0.094% गिर गया। वहीं जापान और कोरिया के बाजारों में भी बढ़त देखी गई। अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत में सेंसेक्स और निफ्टी भी जूम उठे, 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 84.24 के निचले स्तर पर। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद डॉलर और मजबूत हो गया और इससे इम्पोर्ट महंगा होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अजीत शरद पवार को नसीहत, वक्त बर्बाद ना करें, चुनाव है जाकर वोटरों को लुभाएं। कोर्ट ने अजीत गुट से कहा कि अखबारों में 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर छपवाएं कि गड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चुनाव चिन्ह गड़ी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजीत पवार की पार्टी को राहत दी। हालांकि अदालत ने अजीत पवार और शरद पवार के एनसीपी को नसीहत भी दी। कोर्ट ने कहा कि वे कोर्ट में अपना समय बर्बाद ना करें बल्कि चुनाव में जाकर वोटरों को लुभाएं। और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े अपडेट में देखिए, राहुल गांधी ने महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटियां पेश कर दी है। महिलाओं को हर महीने 3,000, युवाओं को 4,000, जातिगत जनगणना का वादा भी किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार 6 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया। उन्होंने मुंबई में संविधान सम्मान सभा में महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी बताई। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए की मदद, किसानों का 3 लाख रुपए तक का लोन माफ करना भी शामिल है। साथ ही उन्होंने नागपुर में कहा कि देश में जाति जनगणना होगी, उसमें दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। आपको बताएं, कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उसने 103 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं। वहीं महायुति का विजन महाराष्ट्र 2029, शिंदे की 10 गारंटी आप देखिए। महाराष्ट्र के सीएम ने महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र में 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था। मंगलवार को कोल्हापुर में जनसभा के दौरान उन्होंने विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर इन वादों को पूरा किया जाएगा ऐसा वादा किया, जिसमें लाडली बहना योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए, बिजली बिलों में 30% की कमी, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1500 से 2100 रुपए, 25 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया गया है। पुलिस में 25,000 महिला कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा। किसानों का लोन ऋण माफ किया जाएगा। एमएसपी पर 20% सब्सिडी दी जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 15,000 रुपए किया जाएगा। ये वाला अपडेट तो हमने कल वाले वीडियो में भी देख लिया था। और दिल्ली में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 11 नवंबर से आम आदमी पार्टी का जिला कार्यकर्ता
सम्मेलन, केजरीवाल का संदेश पहुंचाएंगे घर घर। 11 नवंबर से दिल्ली में जिला सम्मेलन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और तेलंगाना में जातिगत जनगणना का काम शुरू हो गया है, हर वर्ग के आंकड़े शामिल होंगे। महाकुंभ 2025 से जुड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ 2025 में भीड़ और यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में रील बनाने और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस मेला क्षेत्र में तैनात रहेगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के मोबाइल भी जब्त किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार देश विदेश से अनुमानित 45 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ में आएंगे, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। रील बनाने वालों पर मेला क्षेत्र में तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों की सतर्क नजरें रहेगी। उल्लंघन करने वालों का मोबाइल जब्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। पुलिस की सख्ती से यूट्यूबर, डिजिटल क्रिएटर, रील बनाने वाले और सेल्फी लेने के शौकीन युवाओं को झटका लग सकता है, लेकिन महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके लिए जरूरी माना गया है। वही देखिए, पंजाब के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज को लेकर कैबिनेट मंत्री चीमा ने आश्वासन दिया। पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब एड्स कंट्रोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया है। कहा कि अलग अलग बैंकों के साथ सलाह के बाद कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव, गर्मी की छुट्टियों में अब आंशिक कामकाजी अदालत, रिटायरमेंट से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की बड़ी पहल। सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां होती हैं, इस दौरान पूरी तरह से अदालत में कामकाज बंद रहता है, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इसमें बदलाव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब गर्मी की छुट्टियों में भी आंशिक कामकाजी अदालत लगेगी। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास, बीजेपी विधायकों का हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। और एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारी कृपाण नहीं पहन सकेंगे, सिविल एविएशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। भारत के एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारी कृपाण नहीं पहन सकेंगे, इसको लेकर 30 अक्टूबर को द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्डर जारी किए थे। एक दिन पहले ही सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारियों को एक गाइडलाइन मिली। BCAS की तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से आदेश जारी किए गए, और इसके बाद अब विवाद भी शुरू हो गया। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा है कि 5 ककार गुरुओं की देन है, वे शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधन कमेटी से कहेंगे कि इसे लेकर सरकार से बातचीत करें। और नोएडा में फर्जी वारंट भेजा महिला को अस्थमा अटैक आ गया। नोएडा में 65 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, 56 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने मुंबई पुलिस का अफसर बनकर महिला को फोन किया था और कहा कि आपने जो पार्सल भेजा है उसमें ड्रग्स मिला है, और उसे डराया धमकाया गया। महिला ठगों के जाल में फंस गए और फिर उसे गिरफ्तारी का फर्जी वारंट भेज दिया गया। गिरफ्तारी की बात सुनकर महिला इतनी सहम गई कि उसे अस्थमा का दौरा पड़ गया, मगर ठगों का दिल नहीं पसीजा और वे महिला पर और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते रहे। आपको हर बार हम अलर्ट करते हैं, जानकारियां बताते हैं, पुलिस कभी भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। अगर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आपको कोई कॉल आई है तो आप वेब फ्रॉड कॉल है, ऐसे किसी नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर ना करें। इन नंबरों को आप तुरंत ब्लॉक कर दें और इस तरह की कॉल की तुरंत आप पुलिस से भी शिकायत करें। कॉल करने वाला कोई भी ऐप डाउनलोड वगैरह करवाता है तो भी ना करें। किसी भी प्रकार की अपनी पर्सनल जानकारियां भी शेयर ना करें। एक बार आप डर गए तो फिर फंस गए और फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए हम आपको अलर्ट करते रहते हैं। सचेत रहें, सावधान रहें। और एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है, मार्केट कैप 289 लाख करोड़ के पार। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद फैसले पर स्टे देने से इंकार, 11 नवंबर को सुनवाई होगी। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में कुछ रिकॉर्ड मांगे गए और 11 नवंबर के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार यानी 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद होंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत बुधवार 13 नवंबर से पंच पूजाएं भी शुरू हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में 11 लोगों की जाने चली गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरदोई में हुए इस हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के नागौर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। टेक्नोलॉजी तकनीकी खामी के चलते उसे नीचे उतारा गया। टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 758 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू 3.19% गिरकर 53,904 करोड़ रुपए रहा। स्विगी और ACME सोलर होल्डिंग्स का IPO ओपन हो गया है, 8 नवंबर तक बिडिंग कर सकते हैं इन्वेस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में 3500 लोकेशन पर प्रॉपर्टी महंगी। भोपाल में सांसद के विरोध के बाद फैसला फिलहाल टल गया। इंदौर में सबसे ज्यादा 3% बढ़ोतरी हुई है, यानी मध्य प्रदेश के 54 जिलों में 3,500 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए। कलेक्टर्स ने 1,12,000 लोकेशन पर प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज से सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। कलेक्टर गाइडलाइन में कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है। बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा 3% की बढ़ोतरी इंदौर जिले में की गई है। भोपाल में फिलहाल कीमतें होल्ड पर रखी गई हैं। और हरियाणा में महिलाओं को जल्दी मिलेंगे 2100 रुपए। CM ने कहा, शपथ से पहले चुनावी वादे पूरे करने शुरू किए, 2 लाख लोगों को प्लॉट भी मिलेंगे। हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए की सौगात और वंचित 2 लाख प्रार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। CM नायब सैनी ने बड़ा ऐलान किया। वहीं हरियाणा में 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत दी गई, ये वाली न्यूज भी हमने आपको कल बताई थी। मकान बनाने के लिए
जाएंगे। 25 लाख का एडवांस लोन भी मिल जाएगा। हरियाणा सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। इस फैसले से अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। वहीं पंजाब से जुड़ी खबर देखिए, निकाय चुनाव को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट ने 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चंडीगढ़ में अब टैक्स डिफॉल्टर्स की खैर नहीं। मेयर ने कहा कि वसूला जाएगा प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, फोन टैपिंग मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि टेलीफोन रिकॉर्डिंग करना अवैध है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है, सबूत मानने से इंकार कर दिया है और कहा कि इसे साक्ष्य के तौर पर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन रिकॉर्डिंग करके जुटाए गए साक्ष्य मान्य नहीं होते। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत टेलीफोन टैपिंग कर एविडेंस जुटाना सही नहीं है और इस प्रकार अवैध रूप से जुटाए गए साक्ष्य कानूनन अमान्य है। वही देखिए, राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आईओए की अंतिम मुहर लग गई है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होंगे। 5 कमेटियों का गठन कर दिया गया है। एमजी हेक्टर के 2 नए 7 सीटर वेरियंट लॉन्च हुए हैं। और बिहार के आदित्य अमेरिका में ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने, ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने। वही देखिए, सीबीडीटी ने नए आदेश में इनकम टैक्स अधिकारियों को 1.5 करोड़ रुपए तक के ब्याज को माफ करने या कम करने का अधिकार दिया है और ये छूट विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी, जैसे वित्तीय कठिनाई या अप्रत्याशित कारणों से भुगतान न कर पाना। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। यानी अब टैक्स अधिकारी कुछ खास परिस्थितियों में टैक्स पर लगने वाले ब्याज को कम या माफ कर सकेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब का गोल्डन बटन दिया गया है। उनके यूट्यूब चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, दिल्ली में बोले सीएम धामी, आगामी बजट सत्र में सख्त भू कानून आएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, कहा कि त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाएं। वहीं आपको बताएं, संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा अगले वर्ष जून महीने में 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। IAF अग्निवीर वायु से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा के लिए सीटी स्लिप जारी हो गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे ये जान सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में स्थित होगा। बैंक जॉब से जुड़ी खबर आ रही है, IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव पद के लिए भर्ती निकली हुई है और इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1000 पदों को भरना है। टेक्नोलॉजी न्यूज अपडेट में आप देखिए, यदि आप भी गूगल मैसेज ऐप का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। गूगल अपने मैसेंजर ऐप के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके आने के बाद इसका सीधा मुकाबला व्हाट्सएप से होने वाला है। HD इमेज भेजने की सुविधा जल्दी मिल सकती है, ऐसे अपडेट है। और अब किसी को मैसेज करने के लिए नहीं होगी सिम कार्ड की जरूरत, सरकार नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। डायरेक्ट टू डिवाइस नामक इस सेवा के बारे में BSNL ने कहा कि यह कनेक्टिविटी सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ता है। CBSE ने डम्मी दाखिलों पर शिकंजा कसा है। फर्जी एडमिशन देने वालों के लिए अपडेट खबर है, 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द हो गई है, 6 की ग्रेडिंग कटाई गई। यानी CBSE ने दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है और 6 स्कूलों को डाउनग्रेड भी कर दिया है। इन स्कूलों के खिलाफ लगातार डम्मी क्लासेज की शिकायतें आ रही थी। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर देखिए, 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेल आज से उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। वही देखिए, भारतीय रेलवे ने एक रिकॉर्ड बनाया, 4 नवंबर को 3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। भारतीय रेलवे ने त्योहार के सीजन में रिकॉर्ड में बढ़ोतरी की है। यानी इन दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली के बाद अब छठ पर्व मनाया जा रहा है। त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं, विशेष ट्रेनें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। अपडेट है कि 4 नवंबर 2024 को करीब 3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने रेल से यात्रा की, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ब्लॉक से लेकर प्रदेश पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, नए सिरे से संगठन का गठन होगा। वहीं आज से चलेंगी 5 छठ स्पेशल ट्रेनें, 3 लखनऊ से, 1 वाराणसी और अयोध्या से। वहीं देखिए, एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया, कंपनी ने यूजर से ये फोन जांच के लिए वापस मांगा है। फिलहाल ये घटना चीन के सांगसी शहर की बताई जा रही है। वहीं केनरा बैंक बेरोजगार युवाओं को AC और फ्रिज मैकेनिक बनने की 30 दिन की फ्री ट्रेनिंग देगा। ये प्रशिक्षण मेरठ में 18 नवंबर से शुरू होगा। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, राजस्थान में 12 दिसंबर से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं। पूरे प्रदेश में एक ही पेपर रहेगा। राजस्थान बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए अपडेट है, परीक्षा की तैयारी में जुट जाइएगा। और लखनऊ में शानदार कॉलोनी में होगा अपना घर, वृंदावन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। बिहार से जुड़ी खबर है, बालू, गिट्टी और मिट्टी के लिए 5 तरह के चालान जारी होंगे। अवैध खनन को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ई चालान को 5 श्रेणियों में बांटने की तैयारी में, जो किलोमीटर के आधार पर अलग अलग होंगी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRB की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के लिए मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारी में लगे हैं, वे मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी खबर है, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 5,647 पदों पर भर्ती निकाली गई है। श्री कृष्ण
कृष्ण जन्मभूमि मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 19 नवंबर को सुनवाई होगी। परिवहन विभाग ने नया प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में तमाम व्यावसायिक वाहन मालिक अपना व्यापार कर रहे हैं। कई बार नोटिस के बावजूद भी टैक्स बकायेदारों ने बकाया चुकाने की जहमत नहीं उठाई है, लेकिन अब परिवहन विभाग ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे भविष्य में व्यावसायिक वाहन मालिक टैक्स नहीं रोक पाएंगे। वहीं देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पहली बार हर एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एक एक पीएचडी स्कॉलर रख सकेंगे। इसके साथ ही कॉलेजों में नॉन जेआरएफ छात्र छात्राओं को भी फेलोशिप मिलेगी। बीएचयू में स्नातक अब 4 साल का, बीएचयू के साथ संकायों में 4 साल के स्नातक की व्यवस्था की गई है। राजस्थान से जुड़ी खबर देखिए, सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट को मिलेंगे फ्री स्वेटर जूते। लड़कियों के लिए सैनिक अकेडमी बनेगी। राइजिंग राजस्थान में 28,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 11 डिग्री पर पहुंचा। शेखावाटी में न्यूनतम तापमान बढ़ा है। हवाएं कमजोर होने से शहरों में पॉल्यूशन भी बढ़ा है। राजस्थान में भी दीपावली के बाद से ही रात के तापमान में गिरावट हो रही है। राजस्थान में खाटू श्याम जी में 12 तारीख को कार्तिक महोत्सव। बाबा श्याम के कार्तिक शुक्ल एकादशी के अवसर पर 12 नवंबर को खाटू श्याम जी में कार्तिक महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं आपको बताएं, राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला ने 2 विचित्र जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और ये दोनों बच्चे सामान्य दिखने वाले शिशुओं से बिल्कुल अलग है और कई लोग तो उन्हें देखकर एलियन कह रहे हैं। दरअसल ये दोनों जुड़वा बच्चे हार्ले क्वीन इचिथियोसिस नामक एक दुर्लभ और गंभीर त्वचा विकार से पीड़ित है और ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि लाखों में से किसी एक नवजात में ही पाई जाती है और जुड़वा बच्चों में इसका होना तो और भी असाधारण बताया जा रहा है। सब प्रभु की लीला है। अनावर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। कोटा में प्रस्तावित राजस्थान के कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इंदौर से जुड़ी खबर है, चाइनीज बैटरी से इंदौर में 40,000 नौकरियों पर संकट, आधे से कम दाम में इंपोर्ट हो रही है। टैक्स चोरी भी, लोकल इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर। वहीं मध्य प्रदेश बैतूल से एक बड़ी खबर आ रही है, आर्मी जवान की हार्ट अटैक से जान चली गई, दिवाली की छुट्टी पर गांव आए थे। एनपीए नहीं लेने वाले डॉक्टर कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ में सलाहकार मंडल बनेगा, चिकित्सक विभाग को देंगे सलाह। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, और छत्तीसगढ़ में 10 नवंबर के बाद ठंड पड़ेगी, ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन के लिए दुनिया के टॉप ट्रोमा एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। अकेले अमेरिका से 8 बड़े एक्सपर्ट लखनऊ आ रहे हैं। इसके अलावा यूके समेत एशिया के कई देशों के डॉक्टर्स भी लखनऊ आएंगे, साथ ही देश के भी टॉप ट्रोमा डॉक्टर्स लखनऊ में रहेंगे। कार्यक्रम होने वाला है। केसीएमयू में 8 नवंबर से इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रोमा एंड एक्यूट केयर का 14वां और इसके यूपी चैप्टर के 2रे वार्षिक अधिवेशन का हिस्सा होंगे। और आगरा से जुड़ी खबर देखिए, आगरा के मिशनरी स्कूलों में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया। कई स्कूलों ने सत्र 2025-26 के लिए अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। बिहार से जुड़ी खबर है, 7 और 8 नवंबर की सुबह कई इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, छठ के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। बिहार वैशाली से जुड़ी खबर देखिए, वैशाली स्थित शहर के हाजीपुर केला मंडी में केला का कारोबार इस सीजन में 13 करोड़ रुपए का हुआ है और ये एक बड़ा आंकड़ा है। छठ पूजा पर केले की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में कमी आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 430 रुपए गिरकर 78,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी के भाव में 1360 रुपए की गिरावट आई है, 92,901 रुपए प्रति किलो के भाव रहे। वैसे आपको बताएं, पिछले 14 दिनों में चांदी के दामों में 6,250 रुपए की कमी हो गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं सितारे आज का राशिफल। आज 7 नवंबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र द्वितीय और प्रजापति योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के बिजनेस में सुधार होगा, इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। वृष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, इससे आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी। नए बिजनेस में अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं। कर्क राशि के नौकरी पैसा लोगों की तरक्की के लिए स्थान परिवर्तन होने के योग है। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक नजरिए से दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के काम पूरे होंगे, मेहनत के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों को पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है और मीन राशि वालों के लोगों को बिजनेस में काफी फायदे के मौके मिल सकते हैं। और बाकी जो राशियां उनके लिए आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। अना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।